गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बेटा मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर करवाए थे जिसमें हमने एडिशन किया था, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 था, इसमें एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लाइव सेशन के टाइम पे करवा दिया था। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर समझा देती हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ठीक है। फिर आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें हमने एडिशंस किए थे, ठीक है, ये सारा मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया था। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 4.3, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस तो समझा दिया था लाइव सेशन में, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अब समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके साथ ही हमारा एडिशन पार्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको 6th क्वेश्चन से समझा देती हूँ। देखिए, अ लाइब्रेरी हैज़ 52,960 बुक्स ऑफ़ फिज़िक्स, या ऑन फिज़िक्स नहीं आएगा, ऑफ़ आएगा बेटा, ठीक है। लाइब्रेरी में 52,960 बुक्स है फिज़िक्स की, 60,520 बुक्स है केमिस्ट्री की, और 80,600 बुक्स है बायोलॉजी की, और 90,000 बुक्स है मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, देखिए 6th क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, अ लाइब्रेरी हैज़ 52,960 बुक्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फिज़िक्स बुक्स इक्वल्स टू, हमको बताया है 52,960, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स हमारे पास कितनी थी लाइब्रेरी में, केमिस्ट्री बुक्स थी हमारे पास 60,520। देन हमारे पास है नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक्स, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बायोलॉजी बुक्स हमारी कितनी थी, 80,600, ठीक है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल्स टू 90,000, और पूछा है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी, तो फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इक्वल्स टू 52,960 प्लस 60,520 प्लस 80,600 प्लस 90,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप करके बता देंगे 52,960 प्लस 60,520 प्लस 80,600 प्लस 90,000, ठीक है। इनको प्लस करेंगे आप, प्लस करने पे क्या होगा, 000 तो 0 ही रहेगा, 6 + 2 = 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 + 5 = 11, 11 + 9 = 20, 0 यहाँ पे 2 हमने लिया कैरी, ठीक है, 2 + 2 = 4, और यहाँ क्या है, 6 + 5 = 11, 11 + 9 = 20, 20 + 8 = 28, तो हमारा आंसर कितना है, 2,84,080 बुक्स, ठीक है। तो लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी थी, इतनी थी। तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 2,84,080 बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। फिज़िक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, बायोलॉजी की बुक्स और मैथमेटिक्स की बुक्स को हमने प्लस कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल कितनी बुक्स थी लाइब्रेरी में, ठीक है। ये एडिशन आपको ऐसे करना है, और इसी तरह आप लोग अपने नोटबुक्स में लिखेंगे पूरे स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, इन अ पार्लियामेंट इलेक्शन देयर वॉज 3 कैंडिडेट्स, एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ जिसमें 3 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। द 2 डिफिटेड कैंडिडेट्स गॉट 1,84,206 एंड 1,10,560 वोट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि देखो अब 3 लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो जीतेगा तो कोई एक ही, ठीक है। तो
जो हारे थे उनका बता दिया कि हारने वालों को इतने इतने वोट्स मिले थे, जो दो लोग हारे एक को इतना वोट मिला और एक को इतना वोट मिला। द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 41,215 वोट्स मोर देन द नियरेस्ट राइवल। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जो कैंडिडेट जीता उसको 41,215 वोट्स ज़्यादा मिले किससे, जो इसके पास में था। ठीक है, जो इसके पास में था यानी जिसको इसके पास में वोट मिला, किसी को सबसे कम मिला होगा फिर उसको थोड़ा ज़्यादा मिला होगा, और फिर जो जीता था उसको सबसे ज़्यादा मिला होगा। तो ये कह रहा है कि जो जीता था उसको 41,215 वोट्स ज़्यादा मिले थे किससे, जो इसके बाद नंबर में जो हारा है उसको। ठीक है, हाउ मैनी वोट्स वर पोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो ये बोल रहा है कि टोटल कितने इलेक्शन में वोट आए थे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि इलेक्शन में तीन लोग खड़े हुए। ठीक है, मान लो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। ठीक है, मान लो ये मेंबर जीता तो इसका मतलब ये दोनों हारे। ठीक है, अब इसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, इसको उससे थोड़ा कम मिला और इसको सबसे कम मिला। ठीक है, तो जो जीता उसको कितने वोट ज़्यादा मिले थे, उसको 41,215 वोट्स ज़्यादा मिले थे। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, टू डिफीटेड कैंडिडेट्स गॉट इक्वल्स टू कितने वोट्स मिले, एक को मिले 1,84,206 वोट्स। ठीक है, और दूसरे को कितने मिले, 1,10,560 वोट्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा, इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 41,215 वोट्स मोर देन द नियरेस्ट राइवल। ठीक है, तो यानी कि इसको तो सबसे कम वोट मिला, यानी कि इस वाले से कितने वोट ज़्यादा मिले थे उसको, 41,215। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,84,206 वोट्स में प्लस कर देंगे कितना, 41,215, ताकि हमें ये पता चल जाए कि तीसरे वाले को कितने वोट मिले थे। ठीक है, इससे इतने ज़्यादा मिले थे उसको। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वाले में इतने ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड करने पे कितना आया, 6+5 11, 1+1 2, 2+2 4, देन 4+1 5, 8+4 12, 1 यहाँ कैरी 1 1 2, यानी कि इसको कितने वोट मिले थे, 2,25,421। तो अब टोटल वोट्स हमें पता लगाने, ये हमें पता चल गया, ये फर्स्ट कैंडिडेट का इतना आया था, सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला था, इतना मिला था, और थर्ड कैंडिडेट को इतना मिला था। अब हम इन तीनों को जब एडिशन कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल वोट कितने का मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,25,421, इसको मिला था 1,84,206 और इसको मिला था 1,10,560। इसका हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, 6+1 7, 6+2 8, 4+2 6, 6+5 11, 1 यहाँ पे 5, और 5 10 0, यहाँ 1, 2+1 3 3, और 8, जैसे यहाँ से गिन लो, 8+1 9 10 11 12 2, यहाँ 1, 2+1 3 4 5। ठीक है, ये बेटा आप लोग खुद भी करके देखेंगे, तो इतने वोट्स उसको ज़्यादा मिले थे। ठीक है, तो आप पूरा लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट। ठीक है, टोटल वोट्स इक्वल्स टू इतना। ठीक है, 8th देखिए, 8th क्वेश्चन में है, अ ग्रैनरी हैज़ 2,15,306 केजी ऑफ ऑर्डिनरी राइस। इतना राइस है, इतना ऑर्डिनरी राइस है, ठीक है, नॉर्मल जो सादा चावल है, फिर इतना 1,73,475 किलो बासमती चावल है। ठीक है, और 4,62,938 वीट है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल वेट पूरे ग्रेन्स का, पूरे अनाज का टोटल वेट कितना हुआ। तो आप इतने किलो को और इसके किलो को तीनों को प्लस कर देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले कि ऑर्डिनरी राइस का इतना किलो था, बासमती राइस का इतना किलो था और वीट का इतना किलो था, फिर आप टोटल वेट बता देंगे। जैसे हमने इसमें टोटल वोट्स बताए इन तीनों को प्लस करके, वैसे आप इन तीनों को प्लस कर टोटल वेट बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अ मैन हैज़ 3 सन्स। ठीक है, एक आदमी है जिसके 3 बेटे हैं। ही बाइज़ अ कार फॉर
3,785 फॉर हिमसेल्फ। तो इसने, एक आदमी है जिसके तीन बेटे हैं, तो आदमी ने सबसे पहले 1,05,785 की कार खरीद ली उसने खुद के लिए, ठीक है। और फिर उसने मोटरसाइकिल खरीदी 44,485 की अपने सबसे बड़े बेटे के लिए। फिर उसने स्कूटर खरीद लिया 27,876 रुपीज़ का अपने दूसरे नंबर के बेटे के लिए। और फिर उसने बाइसाइकिल खरीद लिया 1,791 रुपीज़ का अपने सबसे छोटे बेटे के लिए। तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय हिम, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है, जो उन्होंने खुद के लिए खरीदी थी। तो कार की कॉस्ट कितनी थी, 2,05,785। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, जो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए खरीदी थी, ठीक है। तो मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी थी, मोटरसाइकिल की थी 44,485। फिर उन्होंने अपने सेकंड नंबर के सन के लिए खरीदी थी क्या चीज़, उन्होंने स्कूटर खरीदा था। तो स्कूटर का कॉस्ट कितना था, कितने रुपये में आई थी स्कूटर, स्कूटर आया था 27,876 में। फिर उन्होंने बाईसाइकिल ख़रीदा था, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू कितने रुपए हैं, रुपीस 1,791। अब क्या करना है, आपको टोटल पता लगाना है, तो आप लिखोगे टोटल मनी स्पेंट इक्वल्स टू, इनको प्लस करके लिख दोगे, ठीक है। इनको आप खुद प्लस करोगे और यहाँ पे जितना भी आएगा उतना रुपीज़ आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे स्टेटमेंट और ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ फोर टाउन्स आर, इसमें ना चार टाउन की पॉपुलेशन बता रखी है, ठीक है, ये और ये। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फोर टाउन्स, ठीक है। तो आप लिखोगे पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन इक्वल्स टू इतना, फिर आप लिखोगे पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड टाउन इक्वल्स टू इतना, फिर आप लिखोगे पॉपुलेशन ऑफ थर्ड टाउन इक्वल्स टू इतना, फिर आप लिखोगे पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ टाउन इक्वल्स टू इतना, फिर लास्ट में क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल मनी स्पेंड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू, फिर ये चारों के जो नंबर दे रखे हैं इनको आप ऐड कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझा दिया था, अभी भी मैंने समझा दिया है, आप लोग करने की कोशिश करना। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे आराम से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरह ये समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो पूछ लेना, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं आपको क्लियरली अच्छी तरह समझा दूँगी, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।